हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल मॉडर्न स्टडी में। मैं अरशद खान आज आपको बीए थर्ड ईयर के सेकंड पेपर जो कि आपके पॉलिटिकल साइंस का है, इसके सेकंड चैप्टर के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इसका जो सेकंड चैप्टर है वो है निजी प्रशासन तथा लोक प्रशासन। इससे पहले हमने पहले चैप्टर को दो भागों में डिवाइड करके पढ़ लिया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर, वो है निजी प्रशासन और लोक प्रशासन। इनमें समानताएं क्या है, इनमें अंतर क्या है, आज हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो राजनीति और प्रशासन के विरोध की भांति पुराने लोक प्रशासन में व्यक्तिगत और सार्वजनिक लोक प्रशासन की दो पृथक पृथक इकाइयों में देखा जाता है। यद्यपि इन दोनों प्रशासनों में कई दृष्टियों से अंतर विद्यमान है, तथापि आज ये अंतर बड़ी तेजी से मिटते जा रहे हैं और इनकी जड़ों में लोकतंत्र की भावना और समाजवाद की जो मांग है वो धीरे धीरे विकसित होती जा रही है। वास्तव में लोक प्रशासन और व्यक्तिगत प्रशासन का आज भी एक विवादास्पद शासन बना हुआ है, जहां विद्वानों का एक पक्ष दोनों को एक ही सिक्के के दो पहलू मानता है, वहीं तब इसके खिलाफ भी तमाम सारी चीजें आ रही हैं, जहां इन दोनों में तमाम सारे डिफरेंसेस भी बताए जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि इनके जो निजी प्रशासन है और लोक प्रशासन है, इनमें आखिर समानता क्या है जिसके आधार पर विद्वान इन्हें सिक्के का दो पहलू मानते हैं। तो जैसे कुछ विचारकों का विचार है कि सभी प्रकार के प्रशासन एक ही वस्तु है और उनके मौलिक लक्षण भी एक ही जैसे हैं, अतः अध्ययन की दृष्टि से लोक प्रशासन तथा व्यक्तिगत प्रशासन में विभेद करना अवांछनीय है। व्यक्तिगत प्रशासन में समानता के निम्न तत्व प्राप्त हो सकते हैं, वो कौन कौन से तत्व हैं हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो विद्वानों का ये राय है, कुछ विद्वानों का, कि जो प्रशासन है, अगर हम प्रशासन को समझने चले तो चाहे वो व्यक्तिगत प्रशासन हो या लोक प्रशासन हो, दोनों के जो मूल बिंदु है वो एक ही है, ये कुछ विद्वानों का मानना है। आइए देखते हैं कौन कौन सी समानताएं हैं। तो व्यक्तिगत और लोक प्रशासन में जिस कौशल की आवश्यकता है वह बहुत कुछ हद तक समान होता है, इसलिए लोक प्रशासन के पदाधिकारियों की नियुक्ति व्यक्तिगत प्रशासन में होती है और व्यक्तिगत पदाधिकारियों की नियुक्ति होती है लोक प्रशासन में। यानी कि दोनों प्रशासन में जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं एक दूसरे में ट्रांसफर किए जा सकते हैं, यानी कि दोनों में समानता है, तब तो लोक प्रशासन का व्यक्ति व्यक्तिगत प्रशासन को हैंडल कर सकता है या व्यक्तिगत प्रशासन में नियुक्त व्यक्ति लोक प्रशासन को हैंडल कर सकता है, यानी कि इनमें समानता दिखाई देता है। आइए नेक्स्ट जानते हैं। दूसरा है प्रगति और विकास के सिद्धांत दोनों ही प्रशासनों की आंतरिक शक्तियों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। प्रशासन चाहे वो सरकारी हो, लोक प्रशासन हो या निजी प्रगति हो, तभी कर सकता है जब उसका आंतरिक प्रगति का जो कार्य है वो कुशल और दृढ़ होगा, तभी चाहे लोक प्रशासन हो या निजी प्रशासन हो तभी वो ग्रोथ कर सकता है। तो ये समानता दोनों में है। दोनों ही प्रशासनों में जन संबंध बहुत ही पहले ही अनुभव कर दिया गया है, इसको डिफाइन कर दिया गया है, और अब सार्वजनिक क्षेत्र में भी इसके महत्व को समझ लिया गया है। समुचित जनसर्व संपर्क के अभाव में ना तो व्यक्तिगत प्रशासन सफल हो सकता है और ना ही सार्वजनिक प्रशासन। यानी कि कोई भी प्रशासन जब तक वह व्यक्तियों से नहीं जुड़ा हुआ है, लोगों से नहीं जुड़ा हुआ है, तब तक वह सफल नहीं हो सकता। और चौथा इनमें समानता है कि दोनों ही प्रशासनों में बहुत ही प्रबंधात्मक तकनीकी समान रूप से पाई जाती है, यानी कि जो प्रबंध, जो उनका उनको ऑर्गेनाइज करने का जो ढंग होता है वो दोनों प्रशासनों में काफी हद तक समान पाई जाती है। दोनों ही प्रशासन नई खोजों द्वारा नवीन सिद्धांतों, विधाओं, उपकरणों आदि के आविष्कार से संलग्न रहते हैं, जिसके फलस्वरूप उनकी क्षमता, उनके कार्य करने की दर है उसमें वृद्धि होती रहती है। तो ये थे दोस्तों पांच मुख्य समानताएं जो कि दोनों सिद्धांतों में, चाहे वो लोक प्रशासन हो या निजी प्रशासन हो, दोनों में ये पांच समानताएं पाई जाती हैं। अब इसमें कुछ अंतर भी होते हैं, आइए देखते हैं अंतर के बारे में विद्वानों के क्या राय हैं। तो इस पर साइमन का विचार है कि सामान्य कल्पना व्यक्तिगत प्रशासन और लोक प्रशासन के बीच अस्पष्ट अंतर को प्रदर्शित करता है। लोक प्रशासन में कुछ भी ऐसे तत्व होते हैं जो उसे व्यक्तिगत
प्रशासन जो है उससे अलग करते हैं, जैसे कि एकता, निष्पक्षता, सेवा भाव, उत्तरदायित्व या लोक नियंत्रण। ये कुछ चीजें हैं जो दोनों को अलग अलग डिफाइन करती हैं, दोनों को बताती हैं कि दोनों चीजें अलग अलग हैं। आइए एक एक करके देखते हैं कि वो किस तरह से दोनों को डिफाइन करती हैं, अलग अलग डिफ्रेंशिएट करती हैं। तो सबसे पहली जो भिन्नता है वो है इनके क्षेत्रों में भिन्नता, यानी कि व्यक्तिगत प्रशासन का क्षेत्र स्पष्ट रूप से लोक प्रशासन के क्षेत्र की तुलना में सीमित रहता है। यानी कि व्यक्तिगत प्रशासन का जो क्षेत्र है वह लोक प्रशासन से बिल्कुल अलग स्पष्ट दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि लोक प्रशासन का संपर्क बहुत कुछ उन्मुख सेवाओं से है जो जन कल्याणकारी कार्य करते हैं और संस्कृति के व्यापक विकास के लिए आवश्यक है, जबकि व्यक्तिगत प्रशासन का क्षेत्र केवल अपने तक ही सीमित है, अपने व्यक्तिगत लाभ तक ही सीमित है। तो इस तरह से इनके दोनों के जो क्षेत्र है वो अलग अलग है। दूसरी चीज है कि इनके उद्देश्यों में भी भिन्नताएं पाई जाती है, इनका जो टारगेट होता है, इनका उद्देश्य होता है, उनमें भी भिन्नताएं पाई जाती है। निजी प्रशासन लाभ के लिए होता है, जबकि लोक प्रशासन जो होता है वो लोगों की सेवा करने के लिए होता है। तो इनका जो उद्देश्य है उसमें भी भिन्नताएं पाई जाती हैं। और तीसरी चीज है कि प्रकृतियों में भिन्नताएं, यानी कि इनका जो प्रकृति है, जो इनका नेचर है, उसमें भी भिन्नता पाया जाता है। जैसे कि लोक प्रशासन कानूनों से जितना अधिक विनियमित होता है उतना व्यक्तिगत प्रशासन नहीं होता, यानी कि लोक प्रशासन में जितने कानून नियम्स का फॉलो करना होता है उतना व्यक्तिगत प्रशासन में नहीं। व्यक्तिगत प्रशासन में नियमों और प्रक्रियाओं का निर्धारण लाभ की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, कि जहां लाभ हो रहा है वहां व्यक्तिगत प्रशासन कार्य करेगा, चाहे वो नियम के खिलाफ हो या नियम के रूप में हो। और चौथी चीज है अंतर इसमें कि प्रकृति के दृष्टिकोण से भी इसमें अंतर पाया जाता है, यानी कि लोक प्रशासन जनता के साथ समानतापूर्ण व्यवहार करता है। यह अपेक्षा की जाती है कि लोगों के लिए लोक प्रशासन जो है, लोक प्रशासकों के व्यवहार व निर्णय सदैव सभी लोगों के लिए निश्चित नीतियों, नियमों और परंपराओं के अनुकूल होंगे। भेदभाव अथवा पक्षपात पूर्ण व्यवहार जो है वो जनता में असंतोष को भड़काता है, जबकि जो व्यक्तिगत शासन होता है, प्रशासन, उसमें लाभ को दृष्टि में रख करके समान व असमान व्यवहार किया जा सकता है। एक निजी व्यवसायी समय, स्थिति, आवश्यकता और ग्राहक के विचार से ही अपनी वस्तुओं के मूल्य में हेरफेर कर सकता है, यानी कि जिस तरह से मार्केट में डिमांड आ रही है उसकी वस्तु की, तो अगर वो व्यक्तिगत प्रशासन में है, अपना खुद का कोई कार्य कर रहा है, तो उसके रेट में वो हेरफेर कर सकता है। लेकिन अगर वो यही चीज सरकारी है, लोक प्रशासन में है, जैसे कि डाकघर में पोस्ट कार्ड या लिफाफा बेचने वाला, ऐसा नहीं कर सकता कि वो उसके रेट्स बढ़ा सके, क्योंकि वह लोक प्रशासन के क्षेत्र में है। तो ये उनके जो प्रकृति है उसके दृष्टिकोण से इन दोनों में ये डिफरेंस आता है। आइए पांचवें डिफरेंस को देखते हैं दोनों में क्या है। पांचवा डिफरेंस है इनके उत्तरदायित्व के अधिकार में, कि इनका कितना उत्तरदायित्व होता है, कितने रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो लोक प्रशासन जनता के लिए विशेष रूप से उत्तरदायी होता है। संसदीय प्रणाली में यह उत्तरदायित्व निरंतर व्यवहार में रहता है। प्रशासक को छोटे से छोटे प्रश्न के भी संतोषजनक उत्तर देने होते हैं, लोक प्रशासन में ये होता है। लेकिन यही सेम बात अगर हम व्यक्तिगत प्रशासन की बात करें तो उसमें व्यक्तिगत प्रशासन के जो है वो जनता के प्रति उत्तरदायित्व की दृष्टि से एक अंतर भी हम देख सकते हैं। व्यक्तिगत प्रशासन को जनता को रुचि और मार्ग के अनुकूल वस्तुएं उत्पादित करने की दृष्टि से अधिक उत्तरदायित्व में रहना पड़ता है, क्योंकि जो आपकी गवर्नमेंट की चीजें, सरकारी चीजें, वो सभी के लिए समान है और समान ही रहेंगी। लेकिन जो व्यक्तिगत प्रशासन की चीजें हैं, अपना खुद का जिसका व्यक्तिगत प्रशासन है, वो लोगों को क्या चीजें चाहिए, किस चीज की मार्केट में डिमांड है, उसके हिसाब से कार्य करता है, तभी उसको उसका रिजल्ट अचीव हो पाता है, उसका टारगेट अचीव हो जाता है। तो उसको उत्तरदायी ज्यादा रहना पड़ता है, उसको ज्यादा अलर्ट रहना पड़ता है। छठा है कि जन दृष्टिकोण से के मान्यता संबंधी अंतर, कि दोनों प्रशासनों के प्रति उन दृष्टिकोणों की मान्यताएं प्रायः अलग अलग हैं। जैसे कि लोक प्रशासन की जो साधारण त्रुटि को भी जनता द्वारा कटु आलोचना की जाती है, यानी कि अगर कोई लोक प्रशासन में कार्य है, कोई गवर्नमेंट जो कि प्रशासन में कार्य कर रही है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो वहां पर अगर कोई प्रशासक जरा भी थोड़ी सी भी गलती करता है तो उसकी जो आलोचना है वो काफी की जाती है। जबकि व्यक्तिगत प्रशासन के प्रति जनता प्रायः उदासीन रहती है, यानी कि जहां पर
राजा का शासन है या तानाशाही शासन है, वहां पर जो जनता है वो प्रशासक के प्रति उदासीन होती है, यानी कि उसके खिलाफ वो आवाज नहीं उठा सकती। सरकारी प्रचार की ओर जनता प्रायः कम आकर्षित होती है, जबकि जो निजी प्रशासन है वो जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी ओर जनता देख रहे हैं आप इस समय कितनी ज्यादा आकर्षित है। तो बहुत ज्यादा लोग प्रशासन के बिहाफ पर निजी प्रशासन की ओर ज्यादा लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है। और सातवां है वित्तीय प्रशासन की भिन्नताएं। तो वित्तीय प्रशासन में क्या भिन्नताएं होती हैं कि लोक प्रशासन पर बाह्य वित्तीय नियंत्रण रहता है। लोकतंत्रीय शासन में यह मान्य सिद्धांत है कि करों द्वारा एकत्रित धन जन कल्याण पर ही व्यय होना चाहिए, यानी कि जो लोक प्रशासन है उस पर बाहरी नियंत्रण काफी कार्य करता है कि जो भी टैक्सेज आ रहे हैं कर आ रहे हैं वो लोगों के कल्याण में खर्च होने चाहिए। जबकि व्यक्तिगत प्रशासन के साथ ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्तिगत अपनी खुद की अगर कंपनी है किसी की तो उसको लोगों का कल्याण हो रहा है या नहीं हो रहा है इस बात को उसको बहुत ज्यादा ध्यान में नहीं रखना पड़ता है। इसके अलावा भी तमाम सारी भिन्नताएं हैं लोक प्रशासन और व्यक्तिगत प्रशासन में, और भी तमाम सारे भिन्नताएं हैं जैसे कि उनकी मनोवैज्ञानिक, उनकी सामाजिक भिन्नताएं और भी तमाम सारी भिन्नताएं हैं। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि लोक प्रशासन के समानताएं और उनकी भिन्नताएं, उनके दोनों में अलग क्या है और सेम क्या है, इस चीज के बारे में हमने पूरी तरह से कवर किया है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर हिट किए ताकि हमारी अगली वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।